पुरुलिया के आद्रा शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय चौबे की पार्टी कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की गोलीबारी में उनके अंगरक्षक राज्य पुलिस के कांस्टेबल शेखर दास भी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने ग्राम पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी अरशद हुसैन समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल बॉडीगार्ड का दुर्गापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुरुलिया के आद्रा में तृणमूल कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आद्रा सिटी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय चौबे की गुरुवार शाम पार्टी कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की गोलीबारी में उनके अंगरक्षक राज्य पुलिस के कांस्टेबल शेखर दास भी घायल हो गए। इस घटना में शुक्रवार को बेटो ग्राम पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी अरशद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। धनंजय चौबे हत्याकांड में अरशद के अलावा आद्रा थाने की पुलिस ने मोहम्मद जमाल नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को शुक्रवार को रघुनाथपुर उपमंडल अदालत में पेश किया गया। पुरुलिया जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि पुलिस ने आद्रा से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तृणमूल कांग्रेस नेता धनंजय चौबे पार्टी ऑफिस में बैठे थे, तभी पार्टी कार्यालय में दो लोग बाइक से आए और गोलीबारी शुरू कर दी। कम से कम 6 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद हमलावर मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को रघुनाथपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने धनंजय चौबे को मृत घोषित कर दिया। बाद में शेखर को दुर्गापुर के विधाननगर स्थित एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवाशीष घोष के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है और फिलहाल उनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस जल्द ही घायल हुए बॉडीगार्ड शेखर दत्त से पूछताछ कर सकती है। उनार कोमरेर पेछन दिक थेके गुलीटा लेगेछे आर बेरियेछे एब्डोमिनेर सामने थेके। ভেতরে কোনো মেজর অর্গানের কোনো ইঞ্জুরি কিছু হয়নি, যা হয়েছে মাসকুলার ইঞ্জুরি। ভেতরে কোনো গুলিও পাওয়া যায়নি, ওটি হয়ে গেছে পেশেন্টের। পেশেন্ট এখন এমনি সুস্থ আছে, অক্সিজেন সাপোর্টে আছে, আইসিউর কেয়ারে আছে। আর একটু সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে একটু জ্ঞান টান ভালো করে ফিরে, এখন যেহেতু অ্যানাসেসিয়ার একটু ঘুরে আছে, সুস্থ হয়ে গেলে আমরা কালকের দিকে হয়তো জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করব। প্রাণহানির এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু সম্ভাবনা নেই, এখনো পর্যন্ত স্টেবল আছে। কালকে থেকে হয়তো কথা উঠবে, কালকে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তারা কথা বলতে পারবে। না না, আজকে দেবো না আমরা, কারণ এখনো পর্যন্ত পেশেন্ট অ্যানাসেসিয়ার মধ্যে আছে, তো একটু পেন রিলিফও দেওয়া হয়, একটু ঘুমের মধ্যে থাকবে, পেশেন্ট একটু ভালো করে জ্ঞান ফিরুক, তারপরে আমরা পারবো। বাড়ির লোক এখনো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কেউ কথা বলেনি, যা কথা বলেছেন ওনার কলিগসরা কথা বলেছেন। गोलीबारी के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पंचायत चुनाव के माहौल में जब इस घटना की खबर इलाके में फैली तो तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुक्रवार को आद्रा रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में सुबह से दुकानें भी बंद हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस पार्टी कार्यालय में धनंजय की हत्या हुई उसके आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों से कई फुटेज एकत्र किए गए हैं। फुटेज की जांच की जा रही है। बाइक छोड़ गए उसकी नंबर प्लेट की भी जांच की जा रही है। शुरुआत में ये माना गया कि नंबर प्लेट बदलकर हत्या की योजना बनाई गई थी। पुलिस का मानना है कि जिस तरह से धनंजय की हत्या की गई है वह किसी पेशेवर शूटर का काम है, लेकिन इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि हमलावर बाइक छोड़कर क्यों गए। दुर्गापुर से साधन रूस की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स, जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।